हैदराबाद के एमबीटी स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार एमबीटी स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान ने बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। एमबीटी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है तब से दो समुदायों को बांटने की कोशिश की जा रही है और दरार पैदा करने की कोशिश भी हो रही है। अमजदुल्ला खान ने कहा कि एक औरत ने बड़े बेशर्मी के साथ बयान दिया है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अमजदुल्ला खान ने द न्यूज इंडिया से बात करते हुए कहा कि ये औरत पढ़ी लिखी नहीं है और ये ऐसे गलत गलत बयान दे रही है। अमजदुल्ला खान ने कहा कि हम इस औरत पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है इंडिया में, रोजाना कहीं ना कहीं इस्लाम के ताल्लुक से या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए सोशल मीडिया पे वीडियोस या मैसेजेस या बुक्स आ रहे हैं, तो ये बात वाज़े हो गई कि आप तारीख़ इस्लाम उठाकर देखिए और अल्लाह ताला कुरान में इस बात को वाज़े कर दिया है कि मेरे नबी की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा कहीं ना कहीं उसकी नुत्फे में कहीं ना कहीं फ़र्क बता दिया गया है। तो आज चंद दिन से, थोड़े दिन पहले आरएसएन सिंह ने भी टाइम्स नाउ चैनल पे बैठकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके बाद में सोनू दंगर नामी एक आवारा फाहिशा औरत तो नहीं, मेरे मालूमात के हिसाब से वो मुखन्निस है, यानी हिजड़ा है, वो ना औरत है ना मर्द है वो, तो जिसका मेंटल बैलेंस ख़राब है और जो खुद ना औरत है ना मर्द है वो सोनू दंगर, तो वो ऐसे बयाना दे रही है कि हम उसको रिपीट भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि जमहूरियत में है हम लोग, हमारा हक बनता है कि उसके ऊपर केस बुक करें और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाए। तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से भी हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। साबिका में भी हमने जो भी लोग ऐसे किए हैं उनको खामोश बिठाना अच्छी तरीके से आता है और हमने खामोश बिठाया है। ये जो सोनू दगर हिजड़ा है, ये इसको भी हम इंशाल्लाह अनकरीब खामोश बिठाएंगे और इसकी फाहिश कलामी का हम बराबर बदला लेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद से साईद हामिद की रिपोर्ट।